नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, मैं हूं आपके साथ वागीश और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल टैलेंटेड इंडिया। और सीधे आपके साथ चलते हैं कार खास अपडेट की ओर। बिग बॉस का फिनाले बस दो ही दिन बचे हैं और सभी की दिल की धड़कने तेज हो रही है, कौन जाएगा फिनाले तक। 7 कंटेस्टेंट बचे हैं और अभी तो सबसे बड़ा सवाल डबल एविक्शन की बातें सामने आ रही है। ऐसे में माहिरा या आरती सी कौन होगी बाहर, ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। ऐसे में अब एक और बड़ी अपडेट बिग बॉस से जुड़ी हमारे पास आ रही है। बिग बॉस 13 के ग्रैंड फिनाले में महज 2 दिन बचे हैं। मेकर्स ने फिनाले की पूरी तैयारी कर ली है। घर में इस वक्त 7 कंटेस्टेंट मौजूद है। इनमें से एक कंटेस्टेंट का सफर गुरुवार के एपिसोड यानी कि आज रात के एपिसोड में खत्म हो जाएगा। खबर ये आ रही है कि माहिरा शर्मा घर से एविक्ट हो गई हैं, लेकिन अभी तक इसकी कंफर्मेशन बाकी है। आज रात के एपिसोड में ये सब पता चल ही जाएगा कि कौन बाहर होगा। एक सदस्य के जाने के बाद घर में 6 कंटेस्टेंट बचेंगे। बिग बॉस फैन क्लब पर खबर है कि इस बार फिनाले में 5 नहीं बल्कि 6 कंटेस्टेंट एंट्री करेंगे। पहले ये खबर आई थी कि डबल एविक्शन होंगे जिसमें से माहिरा और आरती घर से बाहर होंगे, लेकिन अब ये अपडेट है कि टॉप 5 कंटेस्टेंट ही फिनाले में नहीं जाएंगे, 6 कंटेस्टेंट जाएंगे। मगर मेकर्स फिनाले एपिसोड में भी टेढ़ा ट्विस्ट लाने से बाज नहीं आए। मेकर्स 20वें हफ्ते में डबल एविक्शन को लेकर कन्फर्म नहीं है, इसे लेकर अभी बातचीत चल रही है, लेकिन दर्शकों को इस पर हैरानी नहीं होनी चाहिए अगर वे फिनाले में टॉप 6 कंटेस्टेंट को देखें। ये बिग बॉस के इतिहास में पहली बार होगा जब फिनाले तक 6 घर वाले पहुंचेंगे। इससे पहले फिनाले में टॉप 3-4 कंटेस्टेंट गए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सीजन 13 कई बार ट्विस्ट, सरप्राइज और कंट्रोवर्सी से भरा रहा। ऐसे में मेकर्स आखिर तक दर्शकों को चौंकाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। कभी ये खबर आती है कि डबल एविक्शन होंगे तो कभी ये आती है कि 6 कंटेस्टेंट फिनाले में होंगे। खैर आज रात को पता चल ही जाएगा। बता दें आज रात विक्की कौशल अपनी फिल्म भूत के प्रमोशन के लिए बिग बॉस के घर में पहुंचने वाले हैं। जब वे बिग बॉस के घर में पहुंचते हैं तो सभी के दिल में डर पैदा कर देते हैं। उसके बाद घर में एंट्री होती है विक्की कौशल की और वे सभी से कहते हैं, यहाँ मैं आया तो अकेला हूँ लेकिन अकेला नहीं जाऊँगा। कुछ ही मिनटों में एक कंटेस्टेंट का सफर इस घर से खत्म हो जाएगा। अब देखते हैं किसे लेकर जाते हैं विक्की कौशल। वहीं आप सभी को पता है रजत शर्मा आपकी अदालत लेकर बिग बॉस के घर में आए थे और सभी से सवाल पूछते हैं और उनके राज घर के अंदर खोलते हैं। अब घर के 2 कंटेस्टेंट सिद्धार्थ से शादी करना चाहती है। शहनाज का तो आप सभी को पता है, उनके अलावा आरती भी अब सिद्धार्थ से शादी करने के लिए राजी है। घर के 2 कंटेस्टेंट ने उनसे शादी को लेकर अपने विचार बता दिए हैं। बीते दिनों से लगातार आरती सिंह और शहनाज गिल में एक प्रतियोगिता चल रही है। यह प्रतियोगिता है सिद्धार्थ शुक्ला को पाने के लिए है, लेकिन पहली बार आरती ने खुलकर सिद्धार्थ शुक्ला के लिए अपनी बात रखी। बिग बॉस में रजत शर्मा ने आपकी अदालत लगाई थी, इसमें कंटेस्टेंट के कई राज बाहर आ गए थे। 4 महीने में इतनी लड़ाई झगड़ों के बाद भी रश्मि देसाई और सिद्धार्थ शुक्ला की असलियत सामने नहीं आई, वो रजत शर्मा की आप अदालत में सामने आ गई। इसी तरह जब आरती सिंह से सवालों का दौर शुरू हुआ तो वो सिद्धार्थ शुक्ला से शादी तक पहुंच गई। रजत शर्मा ने पूछा, आप हमेशा सिद्धार्थ का सपोर्ट करती हैं जबकि रश्मि भी आपकी दोस्त है, तो बोलती है सिद्धार्थ मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। रही बात रश्मि की, तो मैं यहाँ एक ऐसी बंदी हूँ, एक ऐसी अकेली कंटेस्टेंट हूँ जो सभी की दोस्त हूँ। इसी बीच उन्होंने पूछा कि जब सिद्धार्थ ने पारस को बचाया और आपको नहीं बचाया तो आपको कैसा लगा। इस पर आरती ने कहा, उन्होंने पूरे सीजन में मेरा साथ दिया, वो मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं घर के अंदर और घर के बाहर भी। मैं अक्सर उन्हें उनकी अच्छी बातों के लिए सराहती हूँ और गलत के लिए समझाती हूँ। रजत शर्मा ने जब पूछा कि कश्मीरा घर आई थी तो उन्होंने आपकी और सिद्धार्थ शुक्ला की शादी की बात भी कही थी। इस पर आरती सिंह ने कहा कि उनका टेम्परामेंट सिद्धार्थ से नहीं मिलता, वो चाहती है कि कोई उन्हें मनाए लेकिन सिद्धार्थ ऐसा बिल्कुल नहीं करते। जब रजत ने बताया कि सिद्धार्थ शुक्ला का नाम सुनकर तो आप शर्मा जाती है। इस पर आरती ने कहा कि सिद्धार्थ देखने में बहुत स्मार्ट है, अच्छे लड़के हैं, उनको देखकर कौन सी लड़की नहीं शर्मा जाएगी। तभी रजत ने अगला सवाल दाग दिया कि कश्मीरा आपकी शादी उनसे कराना चाहती थी। इन सवालों में फंस कर अंत में आरती ने कबूल ही कर लिया। बाहर जाने के बाद का नहीं पता, मेरे मत्थे यही लिखा होगा तो कौन जानता है, इसके मत्थे मैं ही पढ़ूंगी, किस्मत में यह लिखा होगा तो क्या करूंगी सर। लेकिन सबसे बड़ा भी सवाल है कि फिनाले में 6 कंटेस्टेंट पहुंचेंगे या फिर 5, और आज अगर एविक्शन होगा तो किसका होगा, डबल एविक्शन होगा या सिंगल, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। तो आज का एपिसोड भी देखिए और इंतजार करिए बिग बॉस के फिनाले का। तब तक के लिए आप लोग देखते रहिए टैलेंटेड इंडिया न्यूज। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।